नमस्कार, कैसेग्रीन.com से मैं हूं गोगी और आपकी यहां पर हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज जो जानकारी देने वाले हैं वो है इस एलबी लिंक के राउटर के बारे में कि कैसे जब वो आसानी से आप इस एलबी लिंक के राउटर को सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम से, यानी कि आप इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम नया राउटर परचेज करते हैं तो उस समय हमें ज़रूरत होती है कि उसको हम सेटअप कर लें, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा कि आपको इसको पावर केबल लगानी है और इंटरनेट जो आपका इथरनेट केबल आ रहा है एंटीना से वो वाला भी जो वो आपको लगा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है अपने लैपटॉप या सिस्टम में। तो जब वो अगर आप लैपटॉप या सिस्टम में कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए है, और अगर आपके पास में मोबाइल है तो आप आई बटन में जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहां से जो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा तक देख लीजिए और सीख लीजिए कैसे करें। हम जाते हैं हमारे इंटरनेट ब्राउजर में और वहां पर हमारे को लिखना है 192.168.16.1। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो पासवर्ड और यूज़र नेम जो होता है वो एडमिन एडमिन होता है। एडमिन ही यूज़र नेम और एडमिन ही पासवर्ड, वो आपके राउटर के पीछे भी लिखा होता है या फिर आपने राउटर सेटअप किया हो तो उस समय ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से इसको प्रयोग करना है, क्लाइंट के तौर पर, राउटर के तौर पर, रिपीटर के तौर पर, ब्रिज करना है या आपको क्लाइंट करना है। तो वैसे हमारे को मेन इसका अभी राउटर सेटअप करना बता रहे हैं, रिपीटर की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, बाकी चीज़ें आप जो वो देख सकते हैं, खास अलग चीज़ें नहीं हैं। आप जो वो इसका लोकल नेटवर्क भी बना सकते हैं ब्रिज बना करके। तो राउटर पे ओके कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अभी देखिए आपको यहाँ पर कनेक्शन टाइप पूछ रहा है यहाँ पर, तो आप जो वो क्या चाहते हैं, PPoE वाला आपका कनेक्शन है तो आप यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा, और अगर आपका स्टैटिक IP वाला है तो आप स्टैटिक IP वाला चूज़ करके यहाँ पर जो भी आपकी IP हो वो वाली डाल दीजिएगा, और उसके बाद आसानी से आप जो वो सेटअप कर पाएंगे सबनेट मास्क और यहाँ पर 8080 और वो सब आप जो डबल 8 वो जो भी हो वो डाल सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए अगर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पासवर्ड जो वो एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा तो जो है वो आपको ये दिख रहा है ऑटोमेटिक कन्फिगर वाला DHCP वाला, तो ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर लेता है, आप अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन ये अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको नेटवर्क कनेक्शंस का आपके लिए दिया होगा तो ही जो वो देगा, बाकी मोस्टली जो वो वर्क नहीं करता है। तो आप PPoE या स्टैटिक IP वाला होता है, स्टैटिक IP वाले पे अपनी IP वगैरह डाल करके अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर जो वो ये PPoE वाला है तो आप PPoE वाला यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अप्लाई कर दीजिएगा। बस यही मात्र तरीका था, उसके बाद आपका इंटरनेट जो वो आसानी से चलने लग जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग जान पाए इस एलबी लिंक के राउटर के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि ऐसी वीडियोस और मिलती रहे।